का वीडियो जो है तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दुबई का वीज़ा चेक कैसे करें ये हर किसी को जानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है जो काम करने के लिए हम जाएंगे तो हम देखेंगे, नहीं तो नहीं, किसी का भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो दुबई का वीज़ा ये ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं, फिर हम दिखाते हैं जो आप कैसे पता कर सकते हैं जो ये वीज़ा सही है या गलत है। चलते हैं फिर। तो मैं, अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज मेरा तबीयत खराब है इसीलिए बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। फिर चलते हैं वीडियो में। आपको मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उसके बाद सर्च में लिखना है स्मार्ट सर्विस डॉट आई सी पी डॉट जी ओ बी डॉट ए, यहाँ लिखा हुआ है मेरा, देख सकते हैं। इसी में सर्च करने के बाद सबसे ऊपर जो लिंक आएंगे आई सी पी स्मार्ट सर्विस, उसी में जाना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएंगे, आप ऊपर से देख सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके बस आपको नीचे जाना है और यहाँ पब्लिक सर्विस पे जाना है। उसके बाद फाइल वैलिडिटी पे जाना है आपको, ऐसा इंटरफेस आएंगे। सर्च बाय फाइल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं वीज़ा, और पासपोर्ट नंबर से भी वीज़ा आप सर्च कर सकते हैं। तो हम करेंगे पासपोर्ट नंबर से, तो यहाँ पासपोर्ट सेलेक्ट कर दिए, यहाँ सेलेक्ट वीज़ा कर दिए। उसके बाद यहाँ पासपोर्ट नंबर दे देते हैं, मैं अपना ही पासपोर्ट नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो, मैं तो अभी कुवैत में हूँ तो मेरे पास दुबई का वीज़ा है नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बस अपना ही दे रहा हूँ। तो पासपोर्ट नंबर दे दिए, उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायर डेट तो 14/9/2031। उसके बाद आप यहाँ 205 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिया का कोड हम लोग का 205 है, हम इंडिया से हैं, तो इंडिया सेलेक्ट कर दिए। यहाँ ऑटोमेटिक आई एम नॉट ए रोबोट सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको सर्च करना है, बस इतना ही करना है, उसके बाद देखें आगे क्या होता है। अगर आपका फाइल स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, आपका वीज़ा सही है। वीज़ा से रिलेटिव आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमको मैसेज करके बता सकते हैं। कुवैत का वीज़ा कैसे चेक करें उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दिया हूँ, उसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप वहाँ जाके वीडियो दे सकते हैं। इसके बाद है आने वाला वीडियो है जो सऊदी का वीज़ा कैसे चेक करें, तो कुछ ही दिन में वो वीडियो आएंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत खराब था इसीलिए आ नहीं पाया, तो कुछ ही दिन में वो वीडियो आ जाएंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो भाई मेरे चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो उस भाई को बोले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।